यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए ऑफ रोडिंग हो गई है। बारिश के कारण कीचड़ हो गया यार, काफ़ी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। गाड़ी को मोमेंटम बना के चलना पड़ेगा, नहीं तो यार गाड़ी चल सकती है। थोड़ा सा ना गलत रास्ते आ गए हम लोग, मतलब ठीक चल रहे थे हाईवे पे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, गाड़ी थोड़ी सी गलत घूम गई तो हम लोग कहीं अंदर घुस गए गांव की तरफ। हालांकि गाड़ियाँ इधर से भी चल रही हैं, लेकिन ये भी मुझे लगता है भटक के घुस गए इधर, क्योंकि जाते टाइम पे ऐसा रास्ता नहीं आया था, लोकल रास्ता है। 800 मीटर के बाद, 500 मीटर के बाद बता रहा है कि ये NH3 पे मिलेगा वापस। बस यही डर लग रहा था मुझे कहीं जाम ना मिले। और देखो इस तरह की छोटी गलियों में ना जाम मिल जाता है। हालांकि मुझे लगता है कि ये मेन रोड है या फिर सिटी के अंदर का रोड है, तभी बसें आ रही हैं यहाँ से, होता ही है यार ऐसा, जाम मिल जाता है। यही है वो रास्ता जो हमने मिस कर दिया था, अंदर चले गए थे, गली के अंदर से घुस के आ रहे हैं। क्या हो गया था, गली अंदर कैसे चले गए? अब ये दिख भी रहा है मेन रोड जैसा, बजौरा है ये जगह।
लौटते टाइम भी ये रास्ता ना बहुत ख़तरनाक दिख रहा था, लेकिन लौटते टाइम क्या है बारिश जो हो गई है ना और स्लश हो गया है तो रास्ता और ख़तरनाक हो गया है। हालांकि ट्रैफिक भी बहुत है, आती जाती दोनों तरफ से बहुत ट्रैफिक है। माता का मंदिर है यहाँ पर, देखो कैसे चढ़ रहा है, गाड़ी रोक नहीं सकते, पीछे गाड़ियां लगी हुई है। हिमाचल में ना या इस तरह के रास्ते आप जब भी चले कई सारे मंदिर आपको देखेंगे, मंदिर में आप थोड़ा सा प्रणाम कर लो, प्रणाम करते हुए चलो, क्योंकि ये माता का आशीर्वाद ही होता है कि आप इस रास्ते पे चल पाते हैं। बाकी रास्ता बेहद ख़तरनाक है, ख़तरनाक तो खैर नहीं, मैं कहूँगा ख़तरनाक तो और भी रास्ते मैंने देखे हुए हैं, लेकिन ख़राब बहुत है। अभी बारिश की वजह से, पहले भी ख़राब था, आते वक्त भी ख़राब था, लेकिन बारिश की वजह से तो मतलब कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। स्पीड इसलिए बिल्कुल ना के बराबर, बहुत ही स्लो स्पीड में चल रहे हैं, मुश्किल से 20-30 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, बहुत स्पीड बढ़ा ले रहे हैं तो 40 हो जा रहा है, अदरवाइज़ उससे ज़्यादा स्पीड आप कर नहीं सकते हैं। अभी भी मैंने तो जयपुर का लगाया हुआ तो मालूम नहीं है कि मंडी कितनी दूर है, लेकिन हाँ मंडी अभी भी दूर ही होगा। बाकी यहाँ रास्ते का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जाते समय ये सब चीज़ें आपको मैंने दिखाई थी, ये हाईवे कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि ऊपर से रास्ता निकल के सुरंग के रास्ते ये अंदर चला जाएगा, सुरंग से फिर सीधा निकल जाएगा, फिर शायद दूरी भी कम हो जाएगी और बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, लेकिन मैं क्या अभी लगातार गाड़ी चलाना चाह रहा हूँ, हालांकि एक बार मुझे लू ब्रेक लेना होगा, स्ट्रेचिंग ब्रेक भी लेना होगा, काफ़ी देर से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और रास्ता ख़राब होने से ना थकावट और ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये रास्ता है बहुत अच्छा रास्ता है, सुहाना है, रोड थोड़ा ठीक होता ना तो और अच्छा होता, ट्रैफिक भी काफ़ी हाई है यहाँ पर, लेकिन सड़क ख़राब है और क्योंकि मौसम भी ख़राब है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक होता जा रहा है।